नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल HS भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बताऊंगा 2020 में पांच राशियों पर शनिदेव की दृष्टि आने वाली है और एक राशि से शनिदेव की दृष्टि जा चुकी है। तो कौन सी है वो पांच राशियां, क्या क्या बदलाव होंगे, आप संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों 2020 में बड़ा उलटफेर होने वाला है और 2020 में सम्मत का राजा जो है बुध रहेगा। सम्मत की जानकारी के लिए मैं अभी वीडियो डालूंगा, आगे आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सम्मत कैसा रहेगा 2020 में और कौन कौन सी राशियों के लिए शुभ रहेगा, राजा बुध का क्या प्रभाव रहेगा और मंत्री चंद्र का भी क्या प्रभाव रहेगा, तो वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज बता रहा हूं पांच राशियों के बारे में। दोस्तों इस साल 2020 में पांच राशियों का भाग्य बहुत ही अच्छा होगा। तो आज बात करते हैं कि शनि की दृष्टि कौन कौन सी राशियों पर है और क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि का बहुत अच्छा भाग्य है, मेष राशि पर शनि की दृष्टि है और शुभ दृष्टि है। शनिदेव इनको सफलता दिलाएंगे, इनके व्यापारिक क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, हर कार्य में इनको जो है सहयोग मिलेगा। दोस्तों गुरु की भी मेष राशि पर शुभ दृष्टि है तो इनको संतान और पुत्र की प्राप्ति होगी, पूरे योग है इनके पुत्र प्राप्ति के मेष राशि वालों के, और इनके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, इनके लव मैरिज जो है सफल रहेगी, प्यार इनका अपना मिलेगा, इनके व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति होगी, इनके जो भी परेशानियां थी 2019 में वो सारी की सारी 2020 में खत्म होने वाली है। दोस्तों ये बता रहा हूं मैं नाम राशि से, जैसे किसी का नाम आ से आता है, मां से आता है, तो उनकी जो राशियां बनती है ये राशि फल होता है उनका, लेकिन जन्म पत्री जो होती है जिनकी डेट बर्थ पता हो तो एक बार डेट बर्थ अपने जरूर चेक करा लें। तो मेष राशियों का यहां तक है बहुत ही अच्छा भाग्य रहने वाला है 2020 में। दोस्तों दूसरी राशि कर्क राशि। कर्क राशि का बहुत बढ़िया भाग्य है, कर्क राशि के ऊपर भी शनि की बहुत अच्छी दृष्टि है। कर्क राशि वाले विशेष करके ध्यान रखें कि आप प्रत्येक बुधवार को किसी गरीब को कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं और शनिवार के दिन आप छाया पात्र जरूर दान करें जिससे शनि की और अच्छी दृष्टि बनी रहे। तो कर्क राशि वालों का भी बहुत ही अच्छा भाग्य है, थोड़ी सी उलझने आएंगी, बीच परेशानी आएंगी, लेकिन हर कार्य में सफलता उनको प्राप्त होगी। दोस्तों मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप जो जो मैं बताऊं एक दो उपाय बताऊंगा पांचों राशियों के, तो ये जरूर करते रहें। मेष राशि वाले जो है मंगलवार को हनुमान जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि थोड़ी सी बीच में परेशानी इनको आएगी, तो मंगलवार की पूजा ना छोड़े मेष राशि वाले। बाकी सारा अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। कर्क राशि वाले शनिदेव की विशेष आराधना करें और शनिवार को काला वस्त्र दान करें, छाया पात्र दान करें, बाकी आपके जो है सभी कार्यों में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि का बहुत अच्छा भाग्य है, तुला राशि पर भी तीन तीन ग्रहण की जो है शुभ दृष्टि रहेगी। तुला राशि वालों का भाग्य बहुत ही अच्छा होने वाला है 2020 में, बड़े परिवर्तन होंगे, अकस्मात खुशी मिलेगी, खुशी के कार्य संपन्न होंगे, जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो कार्य जो है संपन्न होंगे। आप विशेष करके ध्यान रखें तुला राशि वाले शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें, माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं, और सोमवार की सोमवार आप जो है चौमुखी आटे का दीपक जो है शिव जी के सामने जरूर जलाएं। आपके प्रत्येक कार्य में जो है भगवान शिव जी सहयोग देंगे, आपके सभी कार्यों में जो है सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों चौथी जो राशि है ये बहुत ही अच्छी राशि होने वाली है, यह है मकर राशि। मकर राशि का बहुत अच्छा भाग रहेगा और स्वयं शनि की राशि है मकर राशि, स्वय राशि और शनि अपनी राशि में विराजित रहेंगे। बड़ा उलटफेर होने वाला है मकर राशि के भाग्य में, कर्मों को अच्छा रखें, काम अच्छे करें और मकर राशि वाले विशेष करके हनुमान जी की पूजा करें, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का भजन बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन तेल का दान करें, नारियल का दान करें और लोहे का दान करें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों पांचवी जो राशि है वह है धनुराशि।
धनुराशि का बहुत ही अच्छा भाग्य होने वाला है। धनुराशि पर बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की दृष्टि भी रहेगी धनुराशि के ऊपर, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन का रास्ता खुलेगा, आमदनी क्षेत्र अच्छे रहेंगे, संतान की आपको प्राप्ति होगी, आपके व्यापार क्षेत्र अच्छा रहेगा, आपके सारे कार्यों में आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी। देखने एक बार मैं फिर कहूंगा, अगर इन राशि वालों को डेट बर्थ है तो एक बार कुंडली चेक जरूर कराएं। बाकी मैं नाम राशि ये बताई है कि पांच राशियां हैं जिन पर शनिदेव की और गुरु की दोनों की शुभ दृष्टि रहेगी। दोस्तों, मैं मेष राशि वाले हनुमान जी की पूजा जरूर करें, इसमें बिल्कुल भी आप भूल ना करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा जरूरी है मेष राशि वालों के लिए। मंगलवार की मंगलवार हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, और चोला ना चढ़ा सके, चोला चढ़ाएं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पे भी हनुमान चालीसा आदि का जो है पाठ करते रहें। कर्क राशि वालों को शनि की पूजा आराधना करनी है, शनि का ध्यान रखें और शनिवार की शनिवार छाया पात्र जरूर दान करें, आपकी किस्मत खुलेगी और आपके व्यापारिक क्षेत्र अच्छे रहेंगे, आपके आमदनी क्षेत्र अच्छे रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि ये पांच राशि वाले जो है अपना 2020 में जितना हो सके उतना वीरवार, शनिवार और मंगलवार इन तीन बारों को भूल के भी मीट और दारू का सेवन ना करें, क्योंकि केतु की दृष्टि भी साथ में रहने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि आप कहेंगे कि राशि फल तो हमारा बहुत अच्छा था लेकिन बीच में अड़चन क्यों आ रही है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इन तीन चीजों को भूल के भी ग्रहण ना करें। तो दोस्तों, ये था जो है आपका पांच राशियों का राशिफल। आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है मकर राशि और तुला राशि वालों के साथ में, तो ये चीज का ध्यान रखें। किसी को भी अगर पैसा आदि दे या किसी के साथ में आप व्यापारिक संबंध बनाते हैं, आप उनके साथ में व्यापार शुरू करते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक बार दिखा लें कि वो आपकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी कार्य करें, आप व्यापार का कार्य करें या विवाह का शादी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो एक बार राशि जरूर दिखा लें कि आपकी राशि का तत्व क्या है, किस तत्व है, और आपकी जिससे आप रिश्ता रखने चाह रहे हैं, चाहे व्यापारिक क्षेत्र का रिश्ता हो, चाहे लव मैरिज का रिश्ता हो, तो आप एक बार दिखा लें कि उसकी राशि का तत्व क्या बैठ रहा है और उसकी कौन सी राशि है, आपकी मित्र आपसे मेल खाती है कि नहीं खाती। तो इन चीज विशेष चीजों का आप जो है ध्यान रखें। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का भी जो है ऋण आदि जो है दें तो उसे जो है आप एक बार दिखा ले राशि वगैरह। और अगर किसी का ऋण आपने ले रखा है, धन पैसा किसी का ले रखा है, किसी गरीब का या किसी का, तो उसे तुरंत लौटाएं, क्योंकि शनि देव जो है कर्मों का फल देते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना आप कि शनि हमेशा कर्म फलदाता होते हैं। शनि के नाम से ही लोग डर जाते हैं कि शनि ऐसा करेंगे, शनि वैसा करेंगे, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं और मैं ये मेरे हाथ में जो है पंचांग लगा हुआ है, पंचांग के द्वारा मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि शनि कभी किसी का बुरा नहीं करते। इसमें से देख के मैं राशि का फल बता रहा हूं आपको, मौज जवानी नहीं बता रहा कि ये देख लिया कि ये राशि का ये होगा वो होगा। हमेशा ध्यान रखें, शनि किसी का बुरा नहीं करते। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका कार्य अच्छा है, तो शनि आपके आगे बढ़ने में सहयोग ही करेंगे, आपका कभी जो है आयत नहीं करेंगे। तो ये थे पांच राशियों के राशिफल, और आप जितना हो सके उतना जो भगवान की तरफ ध्यान रखें और किसी गरीब का सहयोग जरूर करें, दुआ जरूर लें, किसी की बददुआ ना लें। दोस्तों, सारे अच्छे कर्म हमारे खराब हो जाते हैं अगर किसी की बददुआ लग जाती है तो, इसलिए जितना हो सके अपने शरीर से, धन से, मन से जितना सहयोग हो सके उतना जो दूसरों का सहयोग करें, भगवान आपकी कृपा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं शनिदेव पूरी करेंगे। तो ये था शनि का फल। शनि और गुरु इस साल दोनों का बोलवाला रहेगा और दोनों ही जो है अच्छा फल देंगे। बाकी जो है सम्मतकार उसकी वीडियो में बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री शनिदेव।